या आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को फैटी लीवर की दिक्कत है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप जो फैटी लीवर है उसे कम्प्लीटली ठीक हो सकें। इसमें आपको जो भी फैटी लीवर की जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये क्यों होता है, कैसे हो सकता है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या डाइट्स का ध्यान रख सकते हैं इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं कि जिससे आप फैटी लीवर से कम्प्लीटली ठीक हो सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पांडे, स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं फैटी लीवर की। तो सबसे पहले सभी के लिए जानना ये जरूरी है, लीवर क्या होता है, कौन सा ऑर्गन होता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है बॉडी में, और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ताकि फैटी लीवर जब हो रहा है तो लीवर के कौन कौन से फंक्शन जो डिस्टर्ब हो जाएंगे फैटी डिपोजिशन की वजह से। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लीवर बॉडी में प्रेजेंट कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लीवर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानेंगे। लीवर जो है बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है उनमें आता है, और ये प्रेजेंट रहता है आपका बॉडी के जो राइट अपर क्वाड्रेंट का एरिया है हमारा, इस वाले एरिया में जो है लीवर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसलिए बेसिकली जो आपको कुछ अगर तकलीफ होती है पेट में, कहीं इधर दर्द हो रहा है या हल्का दर्द इधर को जा रहा है कहीं और जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि लीवर में कुछ इफेक्शन हो सकते हैं। अगर वो कुछ सिंपल कोलिक या पेट दर्द या नॉर्मल और कोई प्रॉब्लम ना हो तो लीवर की वजह से भी वो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि क्या इसकी फंक्शंस होते हैं, लिवर का काम क्या होता है। अगर हम फैट से रिलेटेड बात करेंगे, वैसे लिवर के और भी फंक्शंस होते हैं, वो डाइजेस्ट करता है बहुत सारे जो हमारे फूड को, उसके अलावा जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, जो टॉक्सिक जैसे कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस या कुछ भी लिया, उसको डाइजेस्ट, उसको मेटाबॉलिज्म करने का काम होता है लिवर का। अगर हम फैट की बात करें तो ये क्या करता है, जैसे जो लीवर में पूरी बॉडी का जो फैट है वो जब लीवर में आता है मेटाबलाइज होने के लिए, तो लीवर उसको मेटाबलाइज करता है। जो फूड होता है, हम जो खाना लेते हैं उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, फूड से जब हमारे लीवर में आते हैं तो लीवर उसमें से, अगर मान लीजिए कुछ भी हम खा रहे हैं, कुछ भी चीज ले रहे हैं, उसमें जो भी हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स होंगे या हार्मफुल कोई भी चीज हमारी बॉडी के लिए होगी, उसको फिल्टर आउट करेगा और उसको बाहर निकालेगा। लीवर का मेन रोल यही होता है। कुछ अमाउंट में लीवर में फैट होना वो नॉर्मल है, बट अगर ये जो डिपोजिशन है फैट का बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाएगा तो दैट इज हार्मफुल, ये बॉडी में फिर कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जैसे कि लीवर का इंफ्लेमेशन कर देगा, लीवर में स्कारिंग हो जाएगी, फिर एट लास्ट धीरे धीरे जब स्टेज बढ़ेगी तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल और प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। फैटी लीवर बेसिकली उनमें देखने को मिलता है जिनमें एल्कोहल लेने की काफी हैबिट या एडिक्टेड होते हैं जो एल्कोहल लेने के लिए, तो जिनको फैटी लीवर अगर एल्कोहल के एक्सपोजर, एल्कोहल लेने की वजह से अगर हुआ है, कोई हिस्ट्री मिलती है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अगर किसी पेशेंट में एल्कोहल की कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है, बिना एल्कोहल की हिस्ट्री मिले उसमें फैटी लीवर आ रहा है, तो उसमें जो फैटी लीवर कहलाया जाएगा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स की, कि क्या चीजें हैं जो आपकी बॉडी को प्रोन कर सकती है या आपकी बॉडी में एक रिस्क बना सकती है कि आपको फैटी लीवर हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रिस्क फैक्टर और जो कॉज, जो डैमेज करता है लीवर को, वो है एल्कोहल। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आप और बहुत फ्रीक्वेंटली एल्कोहल ले रहे हैं कंटिन्यूस बहुत सालों से, तो एक चांस है कि आपका लीवर बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है और फैटी लीवर की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जैसे कि हम यूजुअली बहुत सारी बीमारियों में बात करते हैं, ओबेसिटी एक ऐसा कारण है, एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसको कॉज करता है, तो फैटी लीवर को भी कॉज कर सकता है ओबेसिटी। इसके साथ डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया है बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड्स जो लेवल है ज्यादा हो गया, जो लिपिड प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब्ड है। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन में भी चांसेस होती हैं फैटी लीवर डेवलप होने की, पीसीओडी अगर है या फिर जो लीवर में कोई भी इन्फेक्शन रहा है, पहले कोई हिस्ट्री रही है हेपेटाइटिस की, या फिर आपके फैमिली में किसी को किसी कोई लीवर डिजीज की अगर हिस्ट्री रही है, तो ये सब चीजें एक रिस्क बनाते हैं फैटी लीवर होने के। अब हम जानेंगे कि किस वजह से, क्या कारण होता है जिस वजह से फैटी लीवर हो जाता है। जैसे कि हमने इसके नॉर्मल फंक्शन में बात करी कि जो लीवर है वो फैट को मेटाबलाइज करता है, इसको डाइजेस्ट करके जो भी हार्मफुल चीजें उसको फिल्टर आउट करता है, या फिर
जो लिवर में जो फैट है इतना ज्यादा अमाउंट में आ रहा है कि जो लिवर है वो संभाल नहीं पा रहा है, इतने ज्यादा फैट जो आ रहा है लिवर में उसको डाइजेस्ट करने के लिए, या तो ये कारण होगा। इसको बोलेंगे फैटी इन्फिल्ट्रेशन। ये बेसिकली डायबिटीज है या ओबेसिटी है या फिर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, हाइपरलिपिडीमिया के केस में हो सकता है, या फिर जो लिवर के सेल्स से वो डैमेज हो गए हैं कि वो जो नॉर्मल भी अगर फैट है या जो इंक्रीज ज्यादा फैट जो आ रहा है उनको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ये कहलाया जाएगा फैटी डिजेनरेशन। तो ये आपको मिल सकता है एल्कोहल की किसी में हिस्ट्री है उस केस में, या स्टीरॉइड्स का एक्सपोजर रहा है, स्टीरॉइड्स लिए हुए हैं पहले, या लिवर का इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस रहा है, तो इन केस में आपको फैटी डिजेनरेशन मिल सकता है। तो या तो फैटी इन्फिल्ट्रेशन होगा जिसमें कि जो फैट बहुत ज्यादा आ जा रहा है लिवर में, या फैटी डिजेनरेशन होगा जिसमें जो लिवर के सेल्स हैं वो डैमेज्ड हैं कि वो नॉर्मल फैट हो चाहे वो ज्यादा आया फैट है उसको कोप अप नहीं कर पा रहा, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। अब हम बात करेंगे फैटी लिवर के स्टेजेस की। इसकी चार स्टेजेस होते हैं, मतलब जो ये फैटी लिवर है चार प्रोसेस के थ्रू आगे प्रोसीड करता है। तो जो पहला इसका स्टेज है जो कहलाया जाएगा सिंपल फैटी लिवर, इसमें क्या होता है जो लिवर में एक्सेस फैट अगर आ रहा है तो उसको हम सिंपल फैटी लिवर बोलेंगे। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आएगी वो होगी स्टीओहेपेटाइटिस, जिसमें फैट आ रहा है प्लस इन्फ्लेमेशन हो गया है लिवर का, कि एक्सेस फैट है प्लस इन्फ्लेमेशन है। थर्ड स्टेज है फाइब्रोसिस की, तो जो इन्फ्लेमेशन हो गया लिवर का इसके साथ अगर फाइब्रोसिस प्रेजेंट है, अगर स्कारिंग हो गई है लिवर की। तो लास्ट जो स्टेज है जिसमें बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, वो होती है सिरोसिस। इसका मतलब है कि लिवर पूरा सड़ गया, पूरा खराब हो गया है, इसमें जो स्कैरिंग होती है, जो फाइब्रोसिस होता है, लिवर जो टिश्यू सिकुड़ जाते हैं वो पूरा फैल जाता है, वाइड स्प्रेड स्कारिंग मिलेगी आपको सिरोसिस में। और सिरोसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे अलग से वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि जो बेसिकली जो फैटी लिवर है वो एक इनिशियल स्टेज की प्रॉब्लम रहती है जिसको हम डिटेक्ट अगर हो गया तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, बट अगर ये सिरोसिस तक पहुंच गया है तो ये बहुत सारे और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, किडनी डैमेज करता है, ब्रेन में मेमोरी प्रॉब्लम्स कर देता है, या इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आपको फैटी लिवर डेवलप हो रहा है तो प्लीज ध्यान रखें और इसको सिरोसिस तक कन्वर्ट होने से बचें। फैटी लिवर के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो लक्षण होते हैं, वो स्टार्टिंग में कुछ भी लक्षण नहीं होते हैं, इट इज एसिम्टोमेटिक। आपको बहुत रेयरली कुछ मिलेगा अगर फैटी लिवर आप में डेवलप हो रहा है तो कुछ सिम्टम्स मिलेंगे। कुछ सिम्टम्स जो आपको मिल सकते हैं वो ये हैं कि आपको जो लिवर का एरिया है या फिर जो वाला एरिया, आपको डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, इस एरिया में अनकंफर्टेबल फील करेंगे, माइल्ड पेन या फिर कुछ हैवीनेस सा फील कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे ये स्टेज बढ़ेगी और जब सिरोसिस की स्टेज आएगी तो जो जो कंप्लीट सिम्टोमेटोलॉजी होती है वो तब प्रेजेंट होती है, जब स्टेजेस बढ़ रही होती है, जो हमने स्टेजेस डिस्कस करी थी। तो ये बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे बढ़ती है उसके हिसाब से इसके सिम्टम्स आते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, एनोरेक्सिया रहेगा, मतलब खाने की इच्छा नहीं करेगी, जी मचला सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, इसके अलावा स्वेलिंग मिल सकती है, पेट में स्वेलिंग मिल सकती है, जो लिवर रीजन है, जो ये वाला रीजन है, यहाँ आपको दर्द मिलेगा, या थोड़ा सा भी टच करने पे आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, टेंडरनेस फील होगी। इसके अलावा जॉन्डिस हो सकता है, अगर कहीं बिलियरी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया, मतलब कि आपको जो नेल्स हैं, आंख जगह जगह आपको कुछ पीलापन मिल सकता है, बिलिरुबिन डिस्टर्ब होगा उसकी वजह से। लिवर के अगर कोई फंक्शन डिस्टर्ब नहीं है, फैटी लिवर का जाना है तो जो बेसिक टेस्ट है वो जरूरी है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करना, ईएसआर देखना कि कोई इन्फेक्शन है तो ईएसआर बड़ा हो सकता है। इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट जरूरी है, क्योंकि इस केस में जो लिवर के कुछ एलिमेंट्स हैं वो आपको डिस्टर्ब मिल सकते हैं। इसके अलावा आप साथ में लिपिड प्रोफाइल भी कराएं, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी कारण बनता है फैटी लिवर का, तो वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। और इसके अलावा जो लास्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी होता है फैटी लिवर को जानने के लिए, वो होता है सोनोग्राफी, या जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। तो उसमें क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको फैटी लिवर है। इसके अलावा सिटी स्कैन या एमआरआई हो सकती है जो ग्रेडिंग है वो पता करने की फैटी लिवर की। बात करेंगे क्या डाइट और प्रिवेंशन का हम ध्यान रख सकते हैं कि हम फैटी लिवर से बच सकें, या फिर हमें फैटी लिवर हुआ है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश कर सकें डाइट या प्रिवेंशन से।
सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, जो इसका जो कॉजेटिव फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो कि एल्कोहल, वो एकदम कंप्लीटली अवॉइड करिए, या फिर अगर शुरुआत कर रहे हैं आप लेते हैं तो लिमिट करिए उसकी, बहुत फ्रिक्वेंटली ना लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फैटी लिवर के लिए। इसके अलावा जो इसका ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, या कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहा है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। मिनिमम 30 से 40 मिनट्स पर डे की आप एक्सरसाइज करें एक हफ्ते में, कम से कम 5 से 6 दिन, ये बहुत जरूरी है। आपका डायबिटीज है, आपका ओबेसिटी है, ट्राइग्लिसराइड इसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा डाइट का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। जो भी फैटी डाइट है आपको वो नहीं लेनी, जो तला भुना है, फ्राइड चीजें हैं वो आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। स्वीट्स अवॉइड करने हैं, चावल नहीं लेने हैं, आलू थोड़ा अवॉइड करिए, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस है इनको अवॉइड करिए। इसके अलावा प्रोटीन वाली चीजें हैं, जो लेग्यूम्स, जो बीन्स होते हैं वो ले सकते हैं, फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल है फैटी लिवर के लिए। और पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, होल ग्रेन्स का सेवन करें, और जो स्नैक फूड है, जो जंक फूड है, उनको अवॉइड करें। बात करेंगे जो इसकी पहली होम्योपैथिक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है कार्डस मेरियनिस। इसमें अगर मान लीजिए कोई सोनोग्राफी मिल रही है, कुछ मिल रहा है, तो जो लिवर है उसका जो एनलार्जमेंट होगा वो बढ़ रहा है, वो ट्रांसवर्सली ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल वे में ज्यादा वो अगर बढ़ रहा है। इसके अलावा जैसे आपको लिवर रीजन में काफी पेन हो रहा है, आपका जो ये वाला एरिया है जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये काफी टेंडर फील कर रहे हैं, इवन तब जब बहुत ज्यादा भी अगर साइज नहीं बढ़ा है, कंजेस्टेड नहीं है लिवर, तब भी अगर बहुत टेंडरनेस फील कर रहे हैं, अगर आप वहां पे नौजिया मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगी, जो बिलियस वॉमिटिंग है, ग्रीन कलर की एसिडिक, वो वॉमिटिंग मिल सकती है। जो पेन जो हो रहा है लिवर रीजन में वो बढ़ेगा जब आप लेफ्ट साइड लेटेंगे, या फिर जब आप इंस्पायर कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, तब उसका जो दर्द है वो बढ़ेगा। प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, पर उसको शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स में पिएंगे, और फिर पीने के बाद ऐसा लगेगा कि शायद वॉमिटिंग हो सकती है, वो एग्रेवेट करेगा वॉमिटिंग को जो पानी हम पी रहे हैं उससे। कार्डस स्पेशली फैटी लिवर जिसमें एल्कोहल की हिस्ट्री मिली है उसमें दिया जाए तो उसके लिए काफी यूजफुल है। इसके अलावा आपको इसमें कॉन्स्टिपेशन मिल सकता है, बहुत हार्ड नोटिस टूल्स मिलेंगे, और कई बार जो कॉन्स्टिपेशन वो ऑल्टरनेट करता है डाइजेस्ट एग्जाम, कभी कर्ब्स होती है तो काफी बार जो लूज स्टूल होता है। इसके अलावा जो इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है चेरिडोनियम। ये यूजुअली गॉल ब्लैडर जो स्टोन है उसमें भी दी जाती है, जिसमें जो सिम्टम्स होते हैं वही आपको जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसमें पेन मिलेगा। इसके अलावा आपको जो राइट शोल्डर का जो एरिया है उसमें आपको पेन मिलेगा। इसके अलावा जो नौजिया है, कॉन्स्टिपेशन है, जो नॉर्मल लिवर कंप्लीट्स में रहता है वो आपको इसमें काफी मिलेगा। अगर फैटी लीवर के साथ जॉन्डिस एसोसिएटेड है, जॉन्डिस के सिम्टम्स आने लगे, जॉन्डिस हो रहा है, तो चेरिडोनियम इज अ वेरी गुड रेमेडी। चेरिडोनियम के केस में जो पेशेंट्स है उनको गर्म खाने की इच्छा करती है, चाहे वो हॉट फूड्स हो या फिर वो ड्रिंक्स हो, उसमें एकदम गर्म गर्म लेने की इच्छा करती है। कॉन्स्टिपेशन रहेगा, हार्ड स्टूल्स रहेंगे, इतने हार्ड रहेंगे कि बहुत छोटे छोटे राउंड बॉल्स के टुकड़ों में जैसे निकलेंगे, और इसके अलावा जो एब्डोमेन है, जो पेट है, वो बहुत फूला फूला रहेगा, डिस्टेंडेड फील करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, गैस बहुत ज्यादा बन रही है, तो ऐसे केस में लाइकोपोडियम इज अ वेरी यूजफुल रेमेडी। तो किसी भी पेशेंट है उसको ब्लॉटिंग फील कर सकता है, खाने के तुरंत बाद उसको ब्लॉटिंग फील होगी, पेट फूला फूला रहेगा। जो सिम्टम्स होते हैं, जितने भी जो सिम्टम्स हैं, जो पेन में प्रॉब्लम हो रही है, पेन में एग्रवेशन होता है, वो जो इवनिंग है तो जो 4 से 8 बजे का टाइमिंग है उसमें एग्रवेशन, उसमें ज्यादा तकलीफ बढ़ी हुई मिलेगी। इसके अलावा जो लाइकोपोडियम के पेशेंट्स हैं उनमें मीठा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा रहेगी, और साथ में वार्म फूड लेने की, वार्म थिंग्स लेने की उसमें डिजायर रहती है। जो पेट है वो हमेशा गैस से भरा हुआ रहेगा, इतनी ज्यादा गैस रहेगी इसमें। इसके अलावा बेल्चिंग काफी आएगी, जो डकारी आएंगी, काफी जलन रहेगी, थोड़ा सा पानी भी निकल सकता है, तो ऐसा अगर ऐसे सिम्टम्स किसी में मिल रहे हैं तो आप लाइकोपोडियम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है नक्सवामिका, जो कि यूजुअली गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये फैटी लिवर की उन केसेस के लिए काफी यूजफुल रहेगी जहां पर ओवर कंजप्शन है एल्कोहल का, जहां एल्कोहल की बहुत ज्यादा सीवियर अमाउंट में अगर हिस्ट्री मिली है, किसी का सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा रहता है, तो इस ऐसे केसेस में नक्सवामिका का बहुत अच्छा रोल है। इसमें जो स्टूल है उसमें अर्जिंग मिलेगी, अनसेटिस्फेक्ट्री स्टूल मिलेगा, मतलब पेशेंट स्टूल तो जाएगा बट ऐसा लगेगा कंप्लीटली पास आउट नहीं हुआ है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, अनसेटिस्फेक्ट्री फीलिंग रहेगी। इसके अलावा कुछ भी खाने के कुछ घंटों बाद आपको जो लिवर रीजन है उसमें पेन मिलेगा। इसके अलावा थोड़ी सी खट्टी या जो कड़वी
सार या बिटर जो टेस्ट या बेल्चिंग मिलेगी, जो पेन है इसके साथ में। पेशेंट है इसमें काफी क्रेविंग रहती है स्पाइसी फूड लेने की। इसके अलावा जो फैटी फूड होती है वो लेने की काफी इच्छा रहती है, और जो एल्कोहल की काफी डिजायर और क्रेविंग रहती है नक्स्वामिका के पेशेंट में। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत यूजफुल रहेगा, जो भी यहाँ पर अभी दवाई बताई है इन सभी के साथ में एक मदर टिंचर है जो फैटी लिवर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो है गॉटेरिया गॉमेरी। अगर ग्रेड कम है, सिर्फ फैटी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो उस केस में आप 10 बूंद यूज कर सकते हैं। तो इसको आप आधे कप पानी में लीजिए, दिन में 3 बार कंटिन्यूअस 1 मंथ तक लीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। इस मदर टिंचर का बहुत अच्छा रोल है फैटी लिवर में। ये तो रहे कुछ इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन फैटी लिवर के लिए। पर याद रखिएगा, किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाइयां लें, ट्रीटमेंट लें, वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। किसी भी होम्योपैथिक, जो नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे विजिट करें, या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करें अपनी डिटेल्स और अपने केस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि जो भी हम इश्यूज बता रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बता रहे हैं, जो उसके उपचार बता रहे हैं, उनसे वो भी बेनिफिट ले सकें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।